पहुंचा आशीष मिश्रा की जमानत का मामला। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तिकनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, जिसकी जमानत रद्द करने की अपील अब की गई है। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से जमानत मिली थी। दरअसल जमानत 10 फरवरी को मिल जानी थी, कुछ तकनीकी खामी की वजह से फिर इसे करीब एक हफ्ते के लिए टाला गया और 15 फरवरी को जमानत दे दी गई। लेकिन अब इस जमानत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ अब एक अर्जी दाखिल की गई है। अविनाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से आशीष कुमार मिश्रा को जमानत मिली है लखीमपुर हिंसा कांड में, उसके बाद अब इस याचिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई जिसमें उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका अगर बात करें तो शिव कुमार त्रिपाठी एडवोकेट है, उन्होंने ये याचिका लगाई है। इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा था। इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था और उसके बाद आशीष मिश्रा के ऊपर तमाम सारे जो धाराएं हैं वो बढ़ाई गई थी। तो ये पुराने याचिका करते हैं और इन्हीं की याचिका आज फिर से उन्होंने एक बार लगाई। बिल्कुल अविनाश, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पूरे मामले में अब क्या कुछ होता है।